गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अभीक्षा, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा कुर्ता सेट हॉल। एंड जो भी कुर्ता सेट मैं आपको दिखाऊंगी, टोटल चार कुर्ता सेट आज दिखाने वाली हूँ, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का कुर्ता सेट दिखाने वाली हूँ। मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत बेसिक सा होगा, सब आपको डिजाइनर और अच्छा ही लगेगा। मिंत्रा पे ना देखो इंड ऑफ सीजन सेल भी चल रही है, तो मुझे लगा कि अभी सेल में डिस्काउंट चल रहा है तो आप अच्छे अच्छे सूट भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ सूट जो बहुत महंगे होते हैं उनका प्राइस भी एंड ऑफ सीजन सेल में काफी अच्छा हो जाता है, तो आप ले सकते हो। और इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ज्यादा बातें नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सूट से। मैं जो सूट है उसकी स्टोरी उसकी क्लिप लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। फर्स्ट सूट है ये वाला जो कि बहुत अच्छा है। ये मसलीन सिल्क का सूट है। इसका ना फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा ऐसा ना, बहुत ही सॉफ्ट वाला सैटन वाला उस टाइप का फैब्रिक है, काफी सुंदर सा है। कुर्ता पैंट एंड दुपट्टा तीनों चीजें आपको मिलती हैं। मैं आपको उसका दुपट्टा दिखाती हूँ। इतना सुंदर ऐसे मक्खन की तरह दुपट्टा है कि क्या ही बताऊं, बहुत प्यारा सा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जो पैटर्न है ना काफी ज्यादा अभी इन है, काफी ज्यादा इन है। थोड़ा सा ना ये पाकिस्तानी सूट के लुक में आता है, बट ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये मैंने मेरा साइज ही मंगाया है, लेकिन ये हल्का सा मुझे लूज आया है। हल्का सा मतलब काफी लूज आया है, तो मुझे लगता है ना इसको लूज पहना ही जाता है, दैट इज व्हाई ये इतना लूज आया है। बट ये सूट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है। आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज कंफर्टेबल सूट तो वैसे भी बहुत जरूरी होता है पहनना। गर्मियां भी इतनी ज्यादा हैं, इसमें आपको अच्छा भी दिखना है, कंफर्टेबल भी रहना है, तो आप ऐसा सूट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो दिस इज द फर्स्ट सूट जो कि थोड़ा बेसिक में था। आई मीन क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा बेसिक में था। अब हम थोड़ा सा फेस्टिव वेयर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो बहुत सारे लोगों की शादियां होने वाली हैं या होंगी, तो मेरे पास ना कुछ ब्राइड टू बी के लिए भी सजेशन है काफी अच्छे अच्छे। सबसे पहले वी हैव दिस पर्पल सूट, बहुत प्यारा सा सूट है। इसका काम देखो आप, कितना सुंदर काम हुआ है पूरे सूट में। फुल स्लीव्स का सूट है, पूरे सूट में सुंदर सा काम हुआ है। एंड ये इसका बॉर्डर है, कितना प्यारा लग रहा है। इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, डबल लाइनिंग के साथ मिल रहा है। ये देखो उसमें लाइनिंग दी हुई है, फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, एकदम फेस्टिव वियर लग रहा है। किसी की शादी हो रही हो तो, जैसे आपकी शादी के बाद आप कुछ दिन कुछ डार्क कलर अच्छे सूट्स पहनना चाह रहे हो, सो यू कैन गो फॉर दिस वन। इसके साथ आपको चुन्नी मिलती है बहुत सुंदर सी, इसकी चुन्नी भी बहुत अच्छी है। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि यार चुन्नी के साथ ना ऐसा मतलब ये नहीं किया है खाना पूर्ति, अच्छी सी सुंदर सी चुन्नी दी है। एंड चुन्नी की लेंथ और कितनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक लंबा चौड़ा दुपट्टा है उस टाइप का है। एंड दिस इज द प्लाजो, ये इसके साथ प्लाजो मिल रहा है जिसमें आपको बॉर्डर मिलेगा यहाँ पर इस जगह पर, बहुत सुंदर लग रहा है। ओवरऑल ये सूट भी बहुत सुंदर और हैवी लुक दे रहा है, जैसे कि एक हैवी सूट होता है ना कुछ सुंदर से आप पहन लेते हो। और अगर आपकी शादी नहीं भी हो रही है तो भी यार, जैसे किसी की शादी में जाना है या कुछ है, तो आप ऐसे सूट्स भी ले सकते हो, थोड़े से हैवी से भी होते हैं और अच्छे से भी लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सूट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं पर्सनली बहुत कम पसंद करती हूँ येलो कलर पहनना, बट जब मैंने ये वाला सूट देखा आई एम लाइक कि यार ये वाला सूट तो मुझे चाहिए ही चाहिए। एंड लिबास में ना आपको बहुत ही सुंदर फेस्टिवेयर कलेक्शन मिल जाएगा। फेस्टिवल के हिसाब से लिबास में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी वैरायटी एक जगह मिलेंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाजो से। इसका जो प्लाजो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखो, यहाँ पर प्लेन है, ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से पैटर्न है, तो ये प्लाजो का पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। सबसे पहली चीज़, इसका प्लाजो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब नेक्स्ट दिखाते हैं कुर्ता। इसका जो कुर्ता है वो भी बहुत ही सुंदर है, लुक एट दिस। मैं ना थोड़ा पास से दिखाती हूँ, उसकी कढ़ाई वढ़ाई देखो आप, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। भाई इतना सुंदर सूट है, इतना सुंदर सूट है कि मैं क्या बताऊं, पहनते ही ना ऐसे दिल खुश हो जाता है। येलो कलर में है, यहाँ पे ना ये सिल्क भी है और ये एम्ब्रॉयडरी भी है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हुई है, बहुत ही फाइन। थोड़ा थोड़ा बीच में ना पिंक का शेड है, देखो थोड़ा सा ना पिंक का शेड है। ये है पूरी कढ़ाई, बहुत ही अच्छी कढ़ाई हुई है, बहुत सुंदर। एंड बॉर्डर देखो कितना सुंदर कट वर्क का है। तो ये येलो कलर का सूट बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। सिल्क का फैब्रिक है, मेरा जो साइज है वो है इसमें स्मॉल, मैंने सब कुछ स्मॉल साइज में मंगाया है।
एंड ये आपको इसके साथ ना टेसल भी मिलती है यहाँ पर, तो जैसे इनकेस आपकी चुन्नी की निकल गई, बिकॉज चुन्नी इतनी सुंदर दे रहे हैं भाई, चुन्नी तो बहुत ज्यादा प्यारी चुन्नी है। देखो आप ऐसे टेसल्स लगे हुए हैं, नेट की चुन्नी है, सॉफ्ट वाला नेट है, तो आपको एक्स्ट्रा टेसल दे रहे हैं इन केस आपके टेसल निकल जाएं, जो कि होता ही है शादी पार्टी में आपके टेसल निकल जाते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। ये सूट यार मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पर्सनली बहुत पसंद आया एंड हाईली रिकमेंडेड है। ये सूट आप ले सकते हो, ऐसे शरारा वाला पैटर्न ना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। नेक्स्ट हमारे पास ना, मुझे ये शरारा का पैटर्न इतना अच्छा लगा कि मैंने इसमें ना एक सूट और लिया है, मैं दिखाती हूँ। ये कलर मुझे बहुत पसंद है, मेरा पर्सनली फेवरेट कलर है मरून कलर। मरून कलर मुझे ऐसा लगता है कि हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है, आप सांवले हो आप गोरे हो फर्क नहीं पड़ता, वो कलर आपको सुंदर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो दिस इज द मरून वन। ये इसका शरारा इस तरीके से है, अगेन शरारा मतलब वैसा ही है, सेम है बट पैटर्न अलग है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो वाला कुर्ता आपने देखा येलो वाला, वो फुल एम्ब्रॉयडरी का है, पूरा आगे की साइड पूरा एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन नहीं इसमें आपको सिर्फ नेक पे एम्ब्रॉयडरी मिलती है। ये देखो इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत सुंदर सी हुई है, सिर्फ नेक पे मिलती है। एंड अगेन ये डबल लाइनिंग का सूट है, इसमें भी लाइनिंग दी हुई है, येलो वाले में भी लाइनिंग दी हुई है, मतलब काफी हैवी सूट्स हैं, हैवी अच्छे सूट्स हैं। इसकी जो स्लीव्स हैं वो 3/4 आपको मिलेंगी, फुल स्लीव्स नहीं है, 3/4 स्लीव्स मिलेंगी इस तरीके से, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड इसके साथ भी आपको मिलता है टेसल वेसल इस तरीके से, बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यारा सा सूट है। मरून कलर लेना है तो ये वाला सूट जरूर ले लेना, क्योंकि ना पहनने के बाद चेहरा बहुत खिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूट वो अच्छे होते हैं जिनको पहनते हैं आपका चेहरा खिल जाता है, तो कलर सूट ऐसे ही लेने चाहिए। साड़ियाँ, इसकी जो चुन्नी है ना वो थोड़ी शेडेड में है, इधर ये थोड़ा सा पिंक सा कलर आ रहा है, इधर ये मरून सा कलर आ रहा है, तो ये शेडेड में है, लेकिन चुनरी भी बहुत अच्छी है, चुनरी में बॉर्डर लगा हुआ है आप देख सकते हो ये, और टेसल लगे हुए हैं। ये जो सूट्स है ना ये प्रीमियम क्वालिटी के सूट्स हैं, मतलब किसी को अच्छी क्वालिटी का सूट लेना है तो ये वो सारे सूट हैं जो कि मैंने पर्सनली सेलेक्ट किए। मुझे ये चार सूट बहुत अच्छे लगे इसलिए मैंने मंगवाए, ये मसलिन सिल्क तो मैंने इसलिए मंगवाया कि यार कभी मार्केट जाना हो या कहीं जाना हो तो आपको कुछ हल्का फुल्का मुलायम सा सूट पहनने का मन करता है, और स्पेशली अभी गर्मियों में ना बहुत ही मतलब ऐसे मन ही नहीं करता सलवार कुर्ता दुपट्टा सा पहनने का, लेकिन ये इतना लाइट वेट है कि पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने तीन चीज़ें पहनी हैं, मतलब तीन चीज़ें कैरी की हैं। सो यार अगर आपको इसमें से कोई भी अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड अच्छा लगता है तो यार खरीद भी लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दे दूंगी। आपका जो फेवरेट था वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो यार आज फॉर टुडेज़ वीडियो, आई जस्ट होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सके। एंड जिनकी भी नई शादी हो रही है स्पेशली ब्राइड टू बी को ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, बिकॉज इसमें से लास्ट की अभी जो तीन सूट दिखाए ना ये तो उनको पक्का लेना चाहिए। तो प्लीज़ जाइएगा चेकआउट करिएगा, एंड बस नए वीडियोस के साथ, क्रिएटिव चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।